रांची के लीकर बार में कैसे लाइव बियर बनाया जाता है और यहाँ पर जो भी बियर पीने के लिए पहुँचते हैं उनके टेबल तक कैसे लाइव बियर परोसा जाता है, वही दिखाने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले गेहूँ जो बेल्जियम से आता है उसे पीसा जाता है और पीसने के बाद देखिए ये इस मशीन में डाला जाता है। हमारे साथ इसके इंजीनियर हैं, वह बताएंगे कि आखिर क्या प्रोसेस है। रांची में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बियर बार में ही बन रहा है और टेबल तक पहुंच रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे बनाते हैं? सर ये पहले इसमें हम लोग मिलिंग करते हैं और मॉल्ट को मिलिंग करने के बाद फिर इसमें मैशिंग करते हैं। ये हो गया, मैशिंग करते हैं और 45 डिग्री से लेकर के 78 डिग्री तक इसमें बॉयल करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से फिर वो वाला टैंक में जाता है जो वर्टिकल टैंक है, वहाँ पे आपको बॉइलिंग होता है एक घंटा तक, मतलब कि 100 डिग्री तक बॉयल होगा। उसके बाद फिर वहाँ हॉप्स ऐड होगा, हॉप्स ऐड करने के बाद फिर उधर से फिर पीएचई थ्रू इधर यहाँ से फिर इधर आ जाएगा, फर्मेंटेशन टैंक हो गया ये। इसमें ईस्ट ऐड करेंगे, ये 13 से 14 दिन तक इसमें फर्मेंटेशन होगा। उसके बाद यहाँ से फिर आगे चला जाएगा बीबीटी टैंक की तरफ, वहाँ पे ईस्ट बियर मैच्यूरेशन होगा, CO2 ऐड होगा, कार्बोनेशन होगा। तो पहले जो गेहूं है वो बेल्जियम जी बेल्जियम से आते हैं, उस गेहूं को फिर पीसने के बाद यहाँ लाके डालते हैं। जी सर। कितना उसको पीसते हैं पहले? वो मतलब कि एक क्वांटिटी का होता है, जिससे मान के चलिए आटा नहीं बनाना, ना ना आटा नहीं बनाना है, ग्राइंडिंग टाइप का होता है, आधा तोड़ देना है। हाँ जी जी, आधा तोड़ ला के यहाँ डालते हैं जी, और उसमें पानी रहता है जी, ये दोनों मिक्स होता है। हाँ हाँ। कितने देर का प्रोसेस है यहाँ पर डाल? ये सर 8 घंटा का प्रोसेस है ये। अच्छा, 8 घंटे तक मिक्स होते रहता है पानी के साथ? जी सर। उसके बाद? उसके बाद फिर यहाँ से फर्मेंटेशन टैंक में चला जाएगा, वो फिर दोनों पानी और गेहूँ का जो है फिल्टर हो करके फिर वर्टिकल टैंक है वो, वहाँ पे जाने के बाद फिर 100 डिग्री तक बॉयल होगा वो। अच्छा। वहाँ से फिर पीएचई थ्रू जो है हीट एक्सचेंजर है ये क्या होगा, 100 डिग्री को 12 डिग्री में कन्वर्ट कर देगा ये, 100 को 12 में ले आएगा। यहाँ से फिर ये फर्मेंटेशन टैंक है ये बगल में, ये वाला। हाँ। फिर यहाँ पे जा करके ईस्ट वगैरह सब ऐड करते हैं। हाँ। ईस्ट ऐड करने के बाद फिर ये 14-15 दिन तक जो है इसमें फर्मेंटेशन होगा, यहाँ से फिर आगे बीबीटी की तरफ जाएगा वो। अच्छा, यहाँ 7-8 घंटे के प्रोसेस के बाद इसमें जो आता है 14-15 दिन जी जी सर। अच्छा, इसमें और कुछ मिलाते हैं? ईस्ट ऐड करते हैं, ईस्ट जी, अल्कोहल भी यहीं पर मिला। हाँ, ईस्ट क्या होता है कि मतलब ईस्ट डालने के बाद जो स्वीटनेस जो है ना वो इस खाता है, अल्कोहल छोड़ता है उसी से ही। कितना परसेंट अल्कोहल? इसका 5% तक रहता है, 5 और 6, जैसे हमको स्ट्रॉन्ग करना है 6 रहता है, 6.5, और लाइट करना है तो 4.5, इतना तक का है यह। इससे पहले अल्कोहल नहीं रहता, इससे पहले सिर्फ गेहूं और पानी? जी सर, जूस एक तरीका से माना जाए। अच्छा, जूस ही है। जी सर। ये आ गया इसमें अल्कोहल। हाँ, इसका 14-15 के बाद अल्कोहल होगा। इसके बाद फिर? इसके बाद फिर आगे बीबीटी की तरफ जाएगा, आगे दिखाएंगे टैंक है। 14-15 दिन वहाँ रहेगा, उसके बाद यहाँ? उसके बाद सर इधर आएंगे। हाँ। इधर क्या होगा, कार्बोनेशन होगा, कार्बोनेशन जो CO2 वगैरह सब जो मारते हैं ना। हाँ। वही चीज़ इसमें होगा। कार्बोनेशन होने के बाद फिर यहाँ से फिर डिस्पेंसर की तरफ जाएगा, जो बियर बार काउंटर है वहीं पर डिस्पेंसर लगा हुआ, नल के थ्रू आएगा। मतलब यहाँ पर बियर तैयार जी? एक बार में कितना लीटर? ये सर टैंक जिस तरह 600 लीटर का हो गया, एक बार में 600 लीटर बन जाएगा। ये सब बनने में 15 दिन लगेगा? जी सर, जी सर। अच्छा, ये कंटिन्यू हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाते रहते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, डिमांड के अनुसार होता है। अच्छा। यहाँ मतलब आपका बियर बन के तैयार हो गया जी, सीधा जाएगा काउंटर पे जाएंगे, काउंटर पे खोल के ग्लास में? जी सर। थोड़ा दिखाइए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बियर जो है बनकर तैयार है, जैसा कि पहले ये दिखा है कि गेहूँ डालने के बाद अलग टैंकर में एक पानी जो है करीब 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल होता है, और उसके बाद पानी और गेहूं दोनों मिक्स होने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 12 डिग्री टेम्परेचर में, और दूसरे टैंकर में आने के बाद वहां पर अल्कोहल करीब 5% मिलाया जाता है, और उसके बाद यहां पर CO2 ऐड किया जाता है, और उसके बाद बियर जो है तैयार हो जाता है, और यहां से सीधे काउंटर पर चला जाता है। काउंटर पर हम दिखाते हैं कि किस तरह से बियर बेचा जाता है। हाँ, दिखाइए। अंदर कई टैंकरों में बियर तैयार होने के बाद अंतिम में ये काउंटर तक पहुंचता है, और काउंटर में देखिए ऐसे ही नल जो है लगे हुए हैं, और यही नल खोलकर आप लोग? जी सर, जी सर। तो अलग अलग नल है इसका मतलब? जी सर, अलग अलग फ्लेवर होगा ये। अच्छा सर, ये 4 फ्लेवर का भी हम लोग के पास बियर है अभी। अच्छा। अभी एक जिस तरह से ब्रांड है आपको, रेडल हो गया, एक तो बेल्जियन वीट हो गया, एक फ्लेवर आप लोग बनाते समय ही डालते हैं? ना सर, ओनली फिर बार्ले का ही फ्लेवर, जिस तरह हमारे पास 15-16 वैरायटी का माल्ट है,
उसी में से हम लोग फ्लेवर निकालते हैं। 15-16 वेराइटी का गेहूँ है। जी जी, बार्ले जो। हाँ, वो एक बेल्जियम से आता है सर, वही से आता है, हम लोग उसी में से हम लोग फ्लेवर निकालते हैं, उसी फ्लेवर अलग से कोई ऐड नहीं करते हैं। पूरा जब तैयार हो गया जाता है तो यहीं पर आता है। जी सर। सर देखिए, जब बियर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो काउंटर पर इसी तरह निकाला जाता है, और जिस मग या फिर ग्लास में निकालते हैं उसमें नापने का जो है मीटर लगा रहता है, और उसी हिसाब से यहाँ पर लगाया जाता है। तो यहाँ से सीधा आप निकलने के बाद जी सर, तो देखिए ये लाइव पूरा बियर बनाने का प्रोसेस हमने यहाँ पर दिखाया आपको कि किस तरह से रांची के इस लीकर बार में लाइव बियर बनाया जा रहा है, और टेबल पर जो भी यहाँ पर पहुँचने के लिए बियर पहुँचते हैं बियर पीने के लिए, उनके टेबल तक ऐसे ही लाइव बियर बना कर दिया जाता है। ये रांची में बहुत कम ही बार में ऐसा देखने को मिलता है। अभी हाल ही में रांची में यह सुविधा जो है शुरू हुई है। ये कितना लीटर निकल गया? हो गया ये सर 500 ml तक का है। 500 ml तक है। जी जी, ये सीधा जो है, और ये क्या चिल्ड भी रहता है? जी जी सर, पूरा चिल्ड। ये जो स्टोरेज है वो फ्रिज में आप लोग रखते हैं? नहीं सर, उसका चिलर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक चिल्ड होता रहता है। अच्छा, ये एक बार जब तैयार हो जाता है तो कितने दिन तक रह सकता है? ये सर 45 days तक है। 45 दिन? जी। तो बिक्री पर डिपेंड करता होगा? जी सर, जी सर, जी सर। देखिए ये बियर जो है बनकर तैयार है, और यहाँ पर किस तरह से नल के जरिए निकलता है, और यहीं से डायरेक्ट टेबल तक परोसा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस लाइव बियर बनाने का और लाइव बियर टेबल तक परोसने का हमने दिखाया कि रांची में चूंकि एक ही दो बार हैं जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। ये बड़ा बड़ा जो लगा है ये सर टावर है, इसी में हम लोग नाप करके दिया जाता है। जैसे 3 liter का टावर है सर, ये सीधा जाके टेबल पर रख देते हैं। टेबल पर रख देते हैं, उसके बाद इसे निकाल निकाल के पीते रहे। जी सर। 1 liter का 350? जी सर। जिसको भी लेना है 1 liter कम से कम लेना? नहीं ऐसा नहीं है, 500 ml का भी है, 300 ml का भी है, इस हिसाब से। इसके बाद भी कोई प्रोसेस है? इसके बाद सर हो गया ये, ओके लास्ट हो गया। तुमने तैयारी कहाँ से की? LIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRBPO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे अलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRBPO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRBPO 2022 में सिलेक्शन लिया है UP लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे, और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in